ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्टडी की जो बात की जा रही है, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा और समाज को उसको किस दायरे में लेके जाना पड़ेगा? समाज में जो चीज़ चल रहा है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट खास करके जो चीज़ कर रहे हैं, इन्होंने लोगों का जहां 75% 73% वेल्थ 1% लोगों का हाथ में है, जो ऑक्सफर्म का रिपोर्ट अभी आया था, तो इससे पता चलता है इंडिकेटर। और इंडिया वर्ल्ड में जो 200 यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाया गया, अभी उनमें से एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है जी। तो एजुकेशन में भी हमारा देश का हालत बहुत ख़राब है, और अपना रोटी का हालत में भी बहुत भी ख़राब है, और सारे चीज़ में वैसा ही है। तो इसमें लोगों को जो बेसिक प्रॉब्लम है, उसका कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई जेंडर हो, काला हो या गोरा, गांव में रहे या शहर में, उनका मेन जो नीड है जीने का, वो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन जी। तो इनमें ये सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दो जो डाटा दिए हम, इससे ये पता चलता है। और लोगों को एक मतलब नशे के हालत में, एक धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे और नफरत के नाम पे, ये नशे के हालत में लोगों को रखने का ये प्लान है गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे लोगों को, या फिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज जो चला रहे हैं, ये जो अवेयर लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो देश को चाहते हैं और देश का अच्छा चाहते हैं और लोगों का दर्द को समझता है, उनका ये ड्यूटी बन जाता है जो लोगों को ये बात बोले, इस इशू को सामने लाए, जो रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये इशू को सामने लाए। अभी जो देश का लोग, जो हमारा है आदमी, उसको नशे की हालत में रखा गया है, और ख़ास करके जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन का हालत तो बताए, और तो इसमें से जो अनपढ़ लोग, उसको तो ये मतलब वो नशा ज़्यादा आता है, जिसको इमोशन ज़्यादा होता है, कॉग्निशन कम होता है। तो इसलिए हम लोगों का, इन लोगों का ड्यूटी बन जाता है, मैं भी कलकत्ता से आया, कई दिन से हूँ, जो ये बेसिक इशू सामने लाए और लोगों को इसको सोचने में मजबूर करे और देश को सही दिशा दिखाए, क्योंकि लोकतंत्र में वही होना चाहिए जो नागरिक चाहते हैं, ना कि कोई लीडर अपना मन से जो भी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो नागरिक को जागरूकता करने के लिए ये काम बहुत ही ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ये काम कर रहे हैं, इसलिए उसको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ये अभी एजुकेशन की बात की आपने, अब जो अभी बजट आया है उसके अंदर 70 and 30, और यानी 70 और 30 का है, 70 गवर्नमेंट देगी, 30% जो उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी देगी। तो यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि सर वो अपनी जेब से कोई नहीं देता, अपनी तनख्वाह से कोई नहीं देता, ये सारा जो भार है स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा। जो आज जो 70 या 7 हज़ार रुपये 6 हज़ार फीस दे रहे हैं, वो 70 हज़ार कैसे देंगे? तो एजुकेशन वो दिन पर दिन ये स्तर गिर रहा है। हाँ, ये तो जरूरी, वो तो कर रहा है, ये तो आप जैसे कि मैंने बताया, जो आप बताइए, जो 75% वेल्थ जहाँ, संपत्ति जहाँ, 1% लोगों का हाथ है, तो बाकी 99% लोगों का क्या हालत है, इससे पता चलता है। उसको जीने के लिए जो सामान वो नहीं है, उनके पास खाने का रोटी नहीं है, तो ये बंदा अब एजुकेशन खरीदेंगे कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। तो सरकार डेफिनेटली, गवर्नमेंट जानती है, ये नया नहीं है, वो उसको तो ये कॉग्निशन, मिनिमम कॉमन सेंस है, उनका नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो जानती है अच्छे से जो जो नागरिक ये खरीद नहीं पाएंगे, और वो वही चाहता है गवर्नमेंट। क्योंकि इस देश में दो तबके हैं, एक है रूलिंग क्लास और एक है सर्वाइवल क्लास। वो अपना बना लिया है, ये राजतंत्र की तरफ जा रहा है देश। जो वो रूलिंग क्लास फ्यू परसेंट है, जो 1% जैसे बोला मैंने, वो और 99% नीचे का दबे हुए लोग है, डिप्रेस क्लास है। तो इन ये डिप्रेस क्लास लोग चाहता है जब मैं ऊपर आऊँ जी, अपना राइट, अपना जगह ले लूँ, और ऊपर जो बैठा है, जो एडवांटेजियस पोजिशन में, वो माइक्रो माइनॉरिटी, वो कभी नहीं चाहता जो ऊपर आए। और एक मतलब एजुकेशन इज द सीढ़ी जी, शिक्षा एक सीढ़ी है, जैसे कि कोई नीचे से ऊपर आ सकता है, जैसे कि मैं आया भाई, मैं भी बहुत गरीब से आया। तो ये सीढ़ी को वो नाकाम करने के लिए वो नहीं चाहता है जो वो लोग ऊपर आके हमारे बराबर ही बैठे, अपना जगह ले, और मेरा संपत्ति में जो 1% लोग, हम लोग पूरा संपत्ति कब्जा कर लिए, उसमें भी भागीदारी मांगे, तो उनको नीचे से ऊपर आने ना दिया जाए। इसलिए वो जो एजुकेशन नाम का सीढ़ी को मतलब नाकामयाब, उसको मतलब इनफेक्टिव करने के लिए ये सारे चीज़ जानबूझ के कर रहे हैं। अदरवाइज कैसे आप सोच सकते हैं, जो लोग जो खाने को नहीं मिलता, इस देश में प्रति 12 सेकंड में एक आदमी खाने की भुखमरी से मरते हैं जी। तो इसमें आप एजुकेशन 70 हज़ार आप बोल रहे हैं, 70 रुपया से भी वो खरीद नहीं पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये तो जानबूझ के ये प्लानिंग का तौर है, जो ये सारे चीज़ कई लोगों का हाथ में होगा, बाकी सर्वाइवल क्लास जैसे रहेंगे वो वैसा करना चाहता है। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, जब तक हम लोग हैं इस देश में, इस देश हमारा है, ये लोकतंत्र है, ये नागरिक का देश है, कोई मोनार्की राजा नहीं है कंसेप्ट। तो ये देश का
हम लोग को जागना है और नागरिक को जगाना है, और हमें इस लोकतंत्र की बैलेट की जरिए ही इसका सलूशन होना चाहिए। देश नागरिक चलाएंगे, उसका जिम्मेदारी, उसका जो ज़रूरत है उनको मिटाए पहले, एंड वो अपना मर्जी से नहीं चला सकता। इसलिए इस तरह का प्रोग्राम जो हो रहा है, इसी दिशा में काम कर रहे हैं लोग। सर, जब गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी और स्वास्थ्य की जब लड़ाई लड़ता है तो अपनी बात को आगे लाता है, तो जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं कि इन बातों को छुपाया जाए, इन बातों को आगे ना लाया जाए। डेफिनेटली ये जानबूझ के छुपाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए, ये रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, इसमें लाभ जिहाद का क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है? नथिंग इज ना। गांव का क्या है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप धर्म के नाम एंटी रोमियो, आप जैसे कि ये सारे चीज, 14 फरवरी, ये सारे चीज इसमें क्या है? नथिंग। दीज आर द इशूज। इसको आदमी को भड़काने के लिए कर रहे हैं, डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन ये सारे चीज़ ला रहे हैं। और बीच बीच में जो दो एक को बोलते हैं उनको मतलब उनका ऊपर टॉर्चर या अखलाक या रोहित भेमुला और गौरी लंकेश ऐसे केस करते रहते, सो देते हम लोग डरे रहे। लेकिन ये दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब लोग जाग रहे हैं, लोग जान रहे हैं जो हमें क्या करना ही नहीं करना है। नशे के हालत से उठ रहा है, नशे परमानेंट नहीं होता है, नशे टूटता है, अब टूट रहा है नशा। अब जब नशा टूटता है तो रियलिटी सामने आता है, फिर उनको अपना जो करना है वो अपना रास्ता देखेंगे। डॉक्टर साहब, अभी एक RSS के जो प्रेसिडेंट है मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम 3 दिन के अंदर फोर्स खड़ी कर देंगे। क्या जो हमारे इंडिया के अंदर जो फोर्स है, क्या उन पर विश्वास नहीं है? और ये 3 दिन के अंदर कैसे खड़ी करेंगे? और 3 दिन का एक कहते हैं कि जो फोर्स के पास हथियार नहीं है वो मेरे पास हथियार हैं। अच्छा, पहले मोहन भागवत जी से ये तो पूछे, जो अभी तो फोर्स खड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इज कैपेबल एनफ टू टैकल द सिचुएशन, और सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरत था मोहन भागवत जैसे लोगों को देश के लिए लड़ने का, आज़ादी के टाइम ब्रिटिश को हटाने के लिए, उनको उस टाइम वो क्या कर रहे थे, उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? एक भी खड़ा हुआ ब्रिटिश के खिलाफ? वो तो ब्रिटिश का मतलब वो सपोर्ट किया उस टाइम। वो डॉक्यूमेंट है, RSS के सारे डॉक्यूमेंट है। वो उनका जो है आपका जो जिसको वीर कहते हैं, वीर सावरकर जी, उन्होंने तो एक मतलब अंडरटेकिंग दे के ब्रिटिश को, एक अंडरटेकिंग, एक वादा दे के, जब हम जेल से निकल के आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, आपको हेल्प करेंगे, वो निकल के आए। तो ये आपने देशभक्ति का किसको सिखाता है? तो इस टाइम उन लोगों को ब्रिटिश के सपोर्ट में खड़ा किया करने के लिए ये RSS ऑर्गेनाइजेशन काम किया। तो तब फोर्स का ज़रूरत था देश के लिए, तब उन्होंने तो एंटी जो फ्रीडम फाइटिंग फाइटर था उनका खिलाफ खड़ा हुआ जी, उनका खराब कर गद्दारी किया देश से। और अब जब ज़रूरत नहीं है तो वो बोल रहा है ऐसे बात। तो ये हमारा इसका मतलब है, वो कभी भी RSS कभी भी ना ही नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करते हैं, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ना ही इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को, पार्लियामेंट को। उनका तो फिलोसॉफी है वन नेशन वन लीडर वन कंट्री, वन फिलोसॉफी, वन नेशन वन लीडर वन फिलोसॉफी। जी जी। तो वो तो डिक्टेटरशिप चाहते हैं, और इसका मतलब है जो इंडियन गवर्नमेंट को नकार के वो डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है, इसका दूसरा कुछ नहीं। धन्यवाद सर।